आज बाबा केदारनाथ के हम लोग दर्शन किए, बहुत ही आनंद आया। और दर्शन के पश्चात फिर हमने भीमशिला का भी दर्शन किया जो बाबा केदारनाथ के मंदिर को बचाया था। दोस्तों ये वीडियो मेरा आप अंत तक देखिएगा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बाबा केदारनाथ दर्शन की संपूर्ण जानकारी, कैसे जाएं, कब जाएं और किस तरीके से बाबा केदारनाथ के दर्शन होंगे, क्या आपके खर्चे होंगे, ये सारा चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अभी सुबह का समय है और इतनी बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, टेम्परेचर जो है 0 डिग्री बता रहे हैं अभी। हेलो गाइस, हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रौनक ऑन रोड में। आज मैं हूँ केदारनाथ में और मैं आज आपको केदारनाथ की संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का एक प्रसिद्ध मंदिर है। केदारनाथ उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में 11,657 फीट पर स्थित भगवान शिव का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर पंच केदारों में प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ स्थित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। केदारनाथ यात्रा भारत की आध्यात्मिक यात्रा है और हर साल लाखों की संख्या में तीर्थयात्री यहां दर्शन के लिए आते हैं। इस साल केदारनाथ मंदिर 6 मई 2022 को खुला है और हर दिन यहां दर्शन के लिए बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं और जानकारी के अभाव में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपको केदारनाथ के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी और सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ केदारनाथ का वर्चुअल टूर भी मिलेगा। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना का इतिहास संक्षेप में यह है कि हिमालय के केदार शृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। पंच केदार, पंच केदार की कथा ऐसी मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भाइयों के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वो भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वो उन लोगों से रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए पर उन्हें वहां नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पर पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने क्या किया पता है आपको? दोनों पर्वत के ऊपर अपना पैर फैलाकर खड़े हो गए। सारे गाय बैल तो निकल गए,
पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणीय पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल पांडवों को दर्शन दिया और पाप से मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है वहां, जो कि नेपाल में है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि महाभेश्वर में और जटा कल्पलेश्वर में प्रकट हुआ। इसलिए इन चार स्थानों सहित केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ शिव जी के भव्य मंदिर बन गए हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, इतनी लंबी लाइन है। मैं भी अब जा रहा हूँ, लाइन में खड़े हो जाऊंगा और भगवान शंकर के दर्शन करूंगा। अभी सुबह का समय है और इतनी बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। टेम्परेचर जो है 0 डिग्री बता रहे हैं। अभी ऊपर आने पे दोस्तों आपको यहाँ मेडिकल सुविधा भी मिल जाएगी, मेडिकल स्टोर मिल जाएगा, खाने पीने का भी मिलेगा, प्रसाद वगैरह यहाँ से आप ले सकते हैं। तो हम लोग लाइन में लगे थे सुबह से, आप पहुँच गए मंदिर के पास में। अब कुछ ही हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। और बाबा की कृपा से आज मुझे बाबा केदारनाथ का दर्शन करने का मौका मिला, सच में मेरा जीवन धन हो गया। दोस्तों ये मंदिर का दूसरा दरवाजा है जिससे हम लोग बाहर निकलते हैं। बाबा का दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर निकल चुके हैं। अब चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। 2013 में आपदा आई थी जिसमें मंदिर की रक्षा किया, जो पत्थर जिसे भीमशिला के नाम से जानते हैं, मैं आ चुका हूँ वहाँ पे। दोस्तों ये वही पत्थर है जिसे भीमशिला के नाम से जाना जाता है। जब 2013 में आपदा आई तो ये पत्थर न जाने कहां से आकर बाबा के मंदिर के पीछे में इस पहाड़ी से जो तीव्र गति से जलधारा आ रही थी उसको दो भागों में विभाजित कर दिया, और विभाजित करने के बाद मंदिर को तनिक भी क्षति नहीं हुआ। बंधुओं तो आप समझ सकते हैं कि बाबा केदारनाथ की कैसी असीम कृपा है कि इस पत्थर ने बाबा के मंदिर की रक्षा की और बाबा के मंदिर पे एक खुरोच तक नहीं आने दिया। तो यही है दोस्तों भीमशिला। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर लगभग 4000 वर्षों तक बर्फ से ढका रहा, और आज भी इस मंदिर में 6 महीने के लिए मनुष्य पूजा करते हैं, और 6 महीने जब मंदिर बंद हो जाता है तो भगवान पूजा करने के लिए आते हैं। इसके प्रमाण भी मिलते हैं। भैरव बाबा का जो मंदिर है सबसे ऊंचे स्थान पे है। तो जब आप चढ़ाई शुरू करते हैं बाबा केदारनाथ का, पैदल अगर आप आ रहे हैं तो कुछ जरूरी सामान हैं जो आपको साथ में रखना होगा, जैसे कि डोलो मेडिसिन। अगर आपको फीवर वगैरह का दिक्कत आए, कॉम्बिफ्लान हो गया, बॉडी पेन वगैरह हो तो दर्द में काम आता है, जिंटेक हो गया, एसिलेक, रेंटेक, जो भी हो इसके लिए आप रख लीजिए, इनो रखिए आप, ओआरएस रखिए, कपूर जरूर रखिए आप साथ में,
ग्लूकोन डी रखिए। ये सब चीज़ें आपको साथ में हमेशा सफ़र में लेके चलना होगा। एक वोलनी स्प्रे भी आपको साथ में रखना होगा, अगर दर्द हो पैर में तो उसमें आप लगा सकते हैं। करते हैं और देख सकते हैं यहाँ भी भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सबसे ऊंचे अच्छा स्थान पे है भैरव बाबा। जय हो बाबा भैरवनाथ, जय हो बाबा। वहाँ से देखिएगा बाबा केदारनाथ का मंदिर एकदम बिल्कुल सामने में दिख रहा है। भैरव बाबा के मंदिर से केदारनाथ का भी मंदिर बिल्कुल दिखता है, देख सकते हैं। बाबा केदारनाथ का मंदिर भी दिख रहा है यहाँ से। दोस्तों हम लोग बाबा भैरवनाथ का दर्शन कर लिए और दर्शन करने के बाद अब हम लोग वापस लौट रहे हैं। यहाँ दोस्तों एयरटेल जियो दोनों फ़ोन की कनेक्टिविटी है, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, कम्युनिकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब बहुत ही अच्छा है। दोस्तों भैरव बाबा से जैसे आप नीचे उतरते हैं जहाँ से भैरव बाबा की चढ़ाई शुरू होती है, वहाँ पे देखिए अरवल भंडारा भी चलता है। यहाँ पे आप भंडारा में प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों और जाइए तो स्वेच्छा से कुछ दान भी कीजिए। देखिए सभी भक्तगण लाइन में लगे हुए हैं यहाँ पे भंडारा में प्रसाद ग्रहण करने के लिए। दोस्तों आज का जो हमारा एपिसोड है यही ख़त्म होता है। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज की जो हमारी यात्रा है यही समाप्त होती है। तो मित्रों अब अगले भाग में हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ से जो है हमारी बद्रीनाथ की यात्रा कैसे होती है। अभी तक हम लोग का 24,200 रुपये खर्च हो चुके हैं। हम लोग चार लोग आए हुए हैं यात्रा करने के लिए बंधुओं, और हमारा 24,200 अभी तक खर्च हो चुका है। आगे भी हम आपको बताएंगे कि बद्रीनाथ से दिल्ली तक पहुँचने में हमारा टोटल खर्च क्या होता है। जो केदारनाथ बाबा की यात्रा थी बहुत ही शांतिपूर्ण और बहुत ही आनंदमय तरीके से हम लोगों ने संपन्न किया। अब हम लोग बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के बाद अब हम लोग नीचे जा रहे हैं और लौट रहे हैं गौरीकुंड।